आप देख रहे हैं केवल सच। ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में और उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। चूंकि दुर्गा पूजा का समय है, भारी गर्मी पड़ रहा है, फिर भी प्रत्याशी में और उनके जो समर्थक हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं है। मैं अभी घूम रहा हूँ, ये उत्तरेन पंचायत है, उत्तरेन कोच प्रखंड का उत्तरेन पंचायत है। वहाँ से निवर्तमान मुखिया निवास जी, निवास वर्मा के बारे में बता दूं कि पिछले 25 साल से लगातार ये जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अकेलियत हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लेकर चलने का इन्होंने काम किया है। और जब ये मुखिया नहीं थे तो भी उन्होंने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का काम किया था, इसी प्रेम से। हाँ, ये इसी प्रेम का यही सेवा का ये भाव था कि जनता पिछले बार इनको भारी बहुमत से उत्तरेन पंचायत का मुखिया बनाई थी। आइए इनसे, मुखिया जी से हम बात करेंगे कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने कैसा काम किया और आगे जब जनता इनको अगर फिर से बहुमत देती है तो क्या करेंगे। मुखिया जी बताइए कि पिछले 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, आप बताइए। पहले तो मैं आपको केवल सच को अति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच आएँ। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 5 साल के कार्यकाल का जितना भी कार्य हुआ है वो सारे जनता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने न जात न पात सबको छोड़ के, भेदभाव नहीं मेरे पास है, हर समय 24 घंटा जब भी थाना हो, पुलिस हो, जो भी मामला पड़ता है, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, मैं खड़े मैदान में उतरा हूँ। आज जो भी हमारे साथ जनता है सब गरीब गुरबा है, ऐसा नहीं है सिर्फ अमीर है, इसमें नहीं अमीर और गरीब, सब हम 24 घंटा हम लोग इस पे खड़े उतरे हैं। और फिर भी मैं ये भी आज आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर हमें जनता चुन के फिर से हमको मुखिया बनाते हैं तो फिर से मैं जनता के लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा। और प्रतिरोप तो चलता है, मुखिया का काम है सरकार से काम खींच के लाना, विधायक हो, MP हो, मैं उनको हाथ पैर जोड़ के जितना भी हूँ काम करता हूँ, 24 घंटा उसके साथ रहता हूँ। और जितना भी यहाँ पे जनता है हमारी, उसकी आप देख सकते हैं, किसी को मेरे प्रति कोई भेदभाव नहीं है। मुखिया जी सही कह रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, एक बुजुर्ग देखिए, हाँ देखिए, अभी एक बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग हैं, देखिए क्या नाम है सर आपका? मेरा सुबेदार दास नाम है। सुबेदार दास नाम है, देखिए महादलित समुदाय से आते हैं। ये बताइए कि निवास जी कैसे आदमी है, कैसे इंसान है? बहुत अच्छा आदमी है। कैसा काम किया उन्होंने 5 साल? बहुत सुंदर काम किए हैं। अच्छा काम किया, जी हाँ। अच्छा देखिए, ये इनके एक समर्थक हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटू वर्मा है। तो कैसे बोलिए? छोटू जी बताइए कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया। कैसा काम किया इन्होंने? बहुत बढ़िया। अच्छा काम किया। अच्छा देखिए, इधर आइए, इधर इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार दिवाकर है। दिवाकर जी, दिवाकर जी बताइए हमको कि ये कैसे इंसान है, कैसे काम करते हैं ये? ये इंसान वैसे हैं, हाँ, जो कहा जाए कि कीचड़ में गुलाब खिला हुआ है, कमल खिला हुआ, हाँ, समझ है कि नहीं? हाँ, कमल खिला हुआ है। ये हर एक गरीब से लेकर के ऊंचे वर्ग तक के किसको जब भी जो जरूरत पड़ा, हमेशा 24 घंटा 24 आवर हमेशा तैयार हैं। एक गरीब या अमीर हो, कोई भी हो, जब भी जरूरत पड़ा, गरीब के लिए तो मसीहा हैं, गरीब के मसीहा, मसीहा हैं। ऐसा मसीहा उत्तरेन पंचायत में पहले एक बुलगानी मुखिया थे, उनके बाद अगर जो कोई पंचायत में मुखिया हुआ तो हमारे निवास मुखिया हुआ। इधर आगे 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 इधर आइए, आप ही को बोल रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए। क्या 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 नाम है आपका? हमको नाम है अनुज प्रसाद। अनुज जी बताइए, इधर सामने कैमरा सामने ही बताइए कि ये इनको क्यों समर्थन दे रहे हैं आप? इनको हम समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि गांव के बहुत सेवा सत्कार किए, बचपन से आज तक कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको मुखिया बहुत भारी विदय से विजय बना, फिर से पानी दे देना है मुखिया जी को। देखिए को बुजुर्ग आदमी है, चचा आप आगे आइए, चचा इधर आगे आइए, आगे आइए। देखिए मुखिया जी के समर्थक हैं, हर वर्ग का समर्थन है, नौजवानों का। क्या नाम है चचा? टेनीमान जी। टेनीमान जी, हाँ। तब मुखिया जी कैसा आदमी है तू? बढ़िया आदमी है, खूब काम कर रहे थे, खूब काम कर रहे हैं, से ना? अच्छा देखिए एक चीज बताइए मुखिया जी से, मैं को बात जानना चाहते हैं कि इनके विरोधी, देखिए इनके विरोधी यदा कदा इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं इनके विरोधी, लेकिन जब हम इनके पंचायत में जब हम घूमे तो लोगों ने कहा कि नहीं,
ये अगर कोई अगर भ्रष्टाचार का अगर मुखिया जी पर आरोप लगाता तो बिल्कुल गलत बात है, तो ये गलत बात है ना? ये हाँ गलत है, भ्रष्टाचार का आरोप गलत है, गलत है, मैंने बदनामी करने के लोग इनको लगाते हैं। जी हाँ। अच्छा मुखिया जी बताइए कि ये जो आपके जो विरोधी लोग हैं जो इस तरह कहवा उड़ाते हैं और फिर भी जनता में आपका इतना प्यार है, इतना जनता हाँ इतना प्यार करती है जनता, कैसा महसूस होता है जनता जब प्यार देती है? हमको जब जनता प्यार देते तो हमको बहुत अंदर से खुशी होता है और हम आज भी बहुत खुश हैं। मैदान में मैं खड़ा उतरा हूँ, उतरेंगे, जिनको जितना पक्ष और विपक्ष को जितना बोलना है बोलने दीजिए, मैं आज हमारे साथ सारे जनता, सारे जात समाज के जनता हमारे साथ है। मैंने आरोप लगाने दीजिए आपका, सेवा करना सेवा करना मेरा काम है। मैंने 20 साल से आज जनता के बीच में हूँ, हमेशा सेवा करते आया हूँ, आज भी करूँगा और करते रहूँगा, ये मेरा ही संकल्प है। अच्छा हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव पासवान। सकलदेव पासवान जी बताइए, सकलदेव जी कहाँ घर है आपका? इच्छापुर हुआ। इच्छापुर हुआ। अच्छा ये आप इनको रामनिवास जी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ समर्थन दे रहे हैं सर। कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया, फिर काम करते हैं सही, ऊंच नीच सबको देखते हैं, मैंने ऊंच नीच से ऊपर उठ करके काम करने वाले। हाँ हाँ सबको लेके साथ लेके साथ लेके चलता है, मैंने भेदभाव कुछ नहीं है तो मैंने फिर से इनको पगड़ी दे देना है। देखिए देखिए जनता का अगर आप सेवा कीजिएगा तो अगर जनता को अगर आप एक मुट्ठी दीजिएगा तो जनता आपको लाख मुट्ठी लौटाती है, ये एहसास है। देखिए काफ़ी गर्मी है, इस गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये जनता का कहना है कि ये जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये टाइम नहीं देखते हैं। निवास वर्मा के पास सिर्फ खबर हो जाना चाहिए कि पंचायत के जनता को फलना दिक्कत है, इनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। हाँ ये जनता बता रही कि रात बिरात अधरात हर समय मदद करने वाले आदमी है। निवास वर्मा का कहना है कि वो राजनीति में तो आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, किसी तरह का आरोप अगर लगाता है तो उसका जवाब जनता देगी, हम जनता उसका निर्णय का देखिए। इनके समर्थक कहना है कि विरोधी का काम कीचड़ उछालना है और निवास वर्मा का कहना है कि मेरे सारे आरोपों का जवाब जनता दे देगी और ये 20 तारीख को फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये गरीब का नेता, उत्तरेन पंचायत का नेता, गरीब का बेटा निवास वर्मा है, दूसरा कोई नहीं है। कैमरामैन ऋतिक के साथ में बाबा शिवाजी केबल से न्यूज के लिए ग्राम पंचायत उत्तरेन से, धन्यवाद।